उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को साधकर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 50% वोट शेयर के आंकड़े को पार करना चाहती है, जिसकी तैयारी में जुट गई है। तैयारी अब लोकसभा चुनाव 2024 की है। ऐसे में पार्टी इस रण को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कोर वोट बैंक को साधने और अन्य वोट बैंक को जोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक बड़े स्तर पर काम करते दिख रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को साधने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। जिन दलों का अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव दिखता है, उन दलों को साध कर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के दौरान बड़ा प्रभाव छोड़ा था। छोटे छोटे दलों का वोट शिफ्ट कराकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। कुछ इसी प्रकार की कोशिश में अब भाजपा जुट गई है। 3 क्षेत्रीय दलों और कई बड़े नेताओं के 24 जुलाई को भाजपा और एनडीए में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। यूपी की राजनीति में महान दल का कुछ इलाकों में असर दिखता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जब यूपी चुनाव 2022 से पहले अपने गठबंधन को मजबूत करना शुरू किया तो महान दल को भी साधा था, लेकिन यूपी चुनाव के बाद सबसे पहले महान दल के केशवदेव मौर्य किनारा कर लिए। केशवदेव मौर्य ने पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में साथ देने का दावा किया था। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव भी पास किया गया है। प्रदेश भर में मायावती के समर्थन में कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि महान दल भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है। इसी प्रकार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और जनवादी पार्टी को भी भाजपा गठबंधन में आने से ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि 24 जुलाई को एक बड़े कार्यक्रम में ये दल भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले तमाम बड़े स्थानीय चेहरों को साधना शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से पूर्व मंत्रियों और विधायकों को साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में किनारे किए गए नेताओं को साध कर स्थानीय स्तर पर पार्टी अपने आप को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर जैसे नेता भी भाजपा के पाले में आ सकते हैं। कई पूर्व मंत्रियों के पार्टी में शामिल होने से उनके अनुभवों का लाभ पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूती बढ़ाने में करेगी। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में मिशन 80 का टारगेट रखा गया है। इसके लिए पार्टी हर लोकसभा सीट पर 50% वोट शेयर के आंकड़े को पार करने की कोशिश में जुटी दिख रही है। इसलिए हर लोकसभा सीट के लिए अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।